नमस्कार, सच को हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। इंडोनेशिया में 14 दिन में छठी बार फटा ज्वालामुखी विस्फोट के बाद सुनामी की जारी की गई चेतावनी। डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों ने अगले आदेश तक एयरपोर्ट बंद रखने के दिए आदेश। वहीं इस घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में रह रहे 11,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, साथ ही 5 किलोमीटर की दूरी तक किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की जांच के लिए दायर की गई याचिका। इसमें कहा गया है कि कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स की जांच के लिए बनाई जाए एक्सपर्ट पैनल। याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी ने लगाई है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद किसी को नुकसान पहुंचता है तो उसे हर्जाना देने के लिए बनाया जाए सिस्टम। देश में तेजी से बढ़ने लगा गर्मी का असर। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, गुजरात और ओडिशा में 2 दिन के लिए हीटवेव का अलर्ट किया जारी। वहीं तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में लू चलने की जताई संभावना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल में तेज गर्मी और हीट स्ट्रोक के कारण 4 लोगों की जा चुकी जान। केरल की हेल्थ मिनिस्टर ने स्थिति को देखते हुए बुलाई बैठक। दिल्ली NCR के 100 के करीब स्कूलों में मची अफरा तफरी। इन स्कूलों में बम होने की मिली थी सूचना। बम की सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने गुरुग्राम में कई स्कूलों में की जांच। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पुलिस को बरामद हुई। बता दें कि ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई थी बम की सूचना। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने शुरू की जाँच। हरियाणा के करनाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिवांशु बुद्धिराजा ने भरा नामांकन। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदयभान और पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौके पर रहे। मौजूद नामांकन से पूर्व हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता करनाल के हुड्डा ग्राउंड में एकत्रित हुए, जहां पर दिवांशु ने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और इसके बाद नामांकन के लिए पहुंचे लघु सचिवालय। हरियाणा के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज तीसरा दिन। हिसार में भाजपा कैंडिडेट रणजीत सिंह चौटाला का नामांकन के दौरान किसानों ने जमकर किया विरोध। किसानों ने काले झंडे दिखाते हुए की नारेबाजी। वहीं करनाल में भी पूर्व CM मनोहरलाल खट्टर का किसानों ने किया विरोध। रोहतक के सापला स्थित वार्ड नंबर 5 के एक मकान में लगी आग, जिस कारण घर में सोया हुआ पूरा परिवार झुलसा। परिवार वाले रात को मच्छर भगाने की अगरबत्ती लगाकर सोए थे, वहीं मध्य रात्रि अचानक लगी आग। सभी घायलों को उपचार के लिए रोहतक PGI करवाया गया भर्ती। इधर आग लगने से घर का सारा सामान भी जलकर हुआ खाक। हरियाणा के करनाल के सेक्टर 13-14 में बाइक सवार 2 बदमाशों ने बुलेट बाइक सवार युवक पर बरसाई गोलियां। गोलियां लगने के बाद युवक की हालत गंभीर। पीड़ित के परिजनों ने बताया कि 1 माह पहले ही युवक को दिलेर कोटिला गैंग के लोगों ने फोन पर दी थी जान से मारने की धमकी। बता दें कि युवक को 6 गोलियां लगी हैं। पीड़ित युवक की पहचान कैलरम गाँव के सुमित कुमार पुत्र राकेश कुमार के रूप में हुई। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की अमेरिका में मौत का दावा। एक अमेरिकी न्यूज चैनल ने दावा किया है कि अमेरिका में गोल्डी बराड़ की गोलियां मारकर की गई हत्या। गोल्डी बराड़ अपने एक साथी के साथ घर के बाहर गली में खड़ा था। इसी दौरान कुछ बदमाश वहां पर आए और गोलियां बरसाकर फरार हो गई। फिलहाल लोरेंस या अन्य किसी गैंगस्टर ने इस मामले की नहीं की कोई पुष्टि। पंजाब के संगरूर जिले के धूरी सीट से पूर्व विधायक दलवीर गोल्डी कांग्रेस से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। पंजाब के CM भगवंत मान ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। इस दौरान उनके साथ स्थानीय कैंडिडेट गुरमीत सिंह मीत हेयर भी रहे मौजूद। बता दें कि साल 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में दलवीर गोल्डी धूरी सीट पर आम आदमी पार्टी के जसवीर सिंह जस्सी को हराकर बने थे विधायक। सच को हिंदी न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच को हिंदी चैनल।